हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक टेक। इस स्टूडियो में जानेंगे कैसे आप एक्सिस बैंक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है एटीएम के थ्रू। ऐसे जनरली मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है, बैंक में फॉर्म फिलअप करके आपका एक हफ्ते में काम होता है। तो आप एक्सिस बैंक का एटीएम यूज़ करके सिर्फ 2 मिनट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या न्यू मोबाइल नंबर फिर से रजिस्टर्ड करना है या चेंज करना है, दोनों काम कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सिस के एटीएम स्क्रीन पे, वहाँ देखते हैं कैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है। तो एटीएम में जाते ही आपको कार्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद कार्ड को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपको होम स्क्रीन दिखेगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पर आपको जो ओरिजिनल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके आगे बढ़ाता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। राइट साइड में आपको बैंकिंग सर्विस और स्पेशल सर्विस और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में आपको सेट न्यू पिन और IMT सेट न्यू पिन भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी एटीएम पिन नया एटीएम लिया है तो उसका पिन आप सेट कर सकते हैं। इस पर वीडियो बना रखा, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। IMT के IMT में आप इमीडिएट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या बिना ATM कार्ड का कोई भी बंदा पैसा निकाल सकता है। तो इस पर मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है, तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ATM पिन डालने बोलेगा, तो यहाँ पर अपना ATM पिन आपको फिलअप कर लेना है। ATM पिन फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, 8 ऑप्शंस। तो यहाँ पर ऊपर मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन है, आपको सेकंड नंबर में अलर्ट कर डिश टीवी का मोर मिल जाता है, उसमें फीडबैक और इंटरनेट बैंकिंग और स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर में जो दिख रहा है मोबाइल नंबर अपडेट, उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने का बोलेगा, सेविंग या करंट, आपका जो भी अकाउंट है यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। तो मैं सेविंग करके आगे बढ़ाता हूँ। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर कन्फर्म करने को बोलेगा, आपका ही अकाउंट नंबर है तो यहाँ पर इसी अकाउंट नंबर में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपडेट में क्लिक कर दें। अपडेट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, जो नया डालना चाहते हैं, वो यहाँ पर फिलअप कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा आपको वही नंबर डालना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, तो एक बार फिर से वो नंबर फिलअप कर लें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, 24 आवर के अंदर ये एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैंकिंग अपडेट्स के लिए।